फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको बताने जा रहे हैं हम प्रश्नवाली 3.2 के प्रॉब्लम को, और वो है प्रश्न संख्या 4। और इसमें प्रश्न संख्या 4 में इस 4 नंबर में ये फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखना संगत या असंगत, दोनों को चेक करना। अगर संगत होगा तभी उसको हमको ग्राफ में बनाना है। ठीक है, अगर संगत नहीं होगा तो उसको हमें नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये प्रश्न दिया हुआ है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ये संगत है ये नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं a1 बाई a2 बराबर, यहाँ पे x यानी कोई संख्या नहीं यानी 1 है, नीचे में क्या 2 है, तो 1 बाई 2 आए a1 बाई 2। उसी तरह से लिखते हैं b1 बाई b2 बराबर, यहाँ पे y है कोई संख्या नहीं यानी 1 है और इसमें क्या है 2 है, तो 1 बाई 2 आया। ठीक है, ये दोनों बराबर है, इसमें क्या है 1 बाई 2, इसमें भी क्या है 1 बाई 2, इसमें क्या है 5 बाई 10, तो C1 बाई C2 5 बाई 10। ठीक है, यहां तो दोनों मिल गया, अब इसको काटते हैं, 5 दोनों 10 कट गया यानी 1 बाई 2 इसमें भी आ गया। 1 2 3 तीनों बराबर है यानी A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 तीनों बराबर है, इससे क्या हुआ ये संगत होगा। लिखते हैं यहाँ पे A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 है। ठीक है, इसलिए इसलिए दिए गए समीकरण के युग्म संगत है। ये अपना अपना तरीका होता है, जैसे आप अच्छा गुस्सा लिख सकते हैं, ये दिए गए समीकरण के युग्म संगत है, या डायरेक्ट आप यहाँ तक बनाने के बाद डायरेक्टली देखिए ये दिया हुआ समीकरण संगत है। ठीक है, योग्य क्या है संगत है, अगर संगत है क्या करना है इसको ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। तो आइए इसका ग्राफ क्या करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। अब यहां से हम क्या करना है ग्राफ के लिए, इसको एक हम टेबल तैयार करते हैं पहले एक्स प्लस वाई बराबर 5 के लिए, यहाँ x लिखेंगे वहां y लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान हम 0 भरते हैं तो y बराबर 5 हो गया, तो y का मान हम 0 भरते हैं तो x बराबर 5 आ गया, ये निकल गया। अब दूसरा समीकरण क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 निकाल लेंगे कॉमन, बच जाएगा x प्लस y बराबर 10, तो पता है इसमें 2 है इसमें 2 दोनों में 2 है, इसलिए 2 जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ केवल x बच जाएगा और यहाँ पे केवल y बच जाएगा, 2 तो दोनों से निकल गया, x प्लस y बराबर 10, तो x प्लस y बराबर 10, ये 2 नीचे आ जाएगा बटन में, 2 5 10 कितना निकल गया एक्स प्लस वाई बराबर 5, मतलब जो पहले लिए थे वही सेम चीज यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसका जो समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10, इसका भी अगर हम टेबल लेते हैं तो सेम चीज लिया जाएगा, यहाँ पे x लिखेंगे यहाँ पे y लिखेंगे, जो इसमें है वाई लिखेंगे 0 लिखेंगे और 5 लिखेंगे या 5 और 0 लिखेंगे, कि दोनों तो सेम चीज है ना इसलिए एक ही चीज आएगा, तो ये निकल गया दोनों को टेबल। अब इसका हमें क्या करना है ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये हमने लाइन खींचा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि लास्ट हमारा x कहाँ तक है 5 तक है और y कहाँ तक 5 तक है, यानी हम 5 तक x और y का मान लेते हैं इसमें सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, हमारी मर्जी जहां तक ले सकते हैं हम इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इस तरह से लेनी है। ये हमें पता है ये दोनों क्या है नेगेटिव रहता है, तो यहाँ माइनस या माइनस या माइनस 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 माइनस, यहाँ पे ये बीच में पॉइंट रहता है 0 होता है, 0 लिख दिए। ऊपर जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमें इसका तैयार करना ग्राफ, x बराबर कितना दिया हुआ 0 और y बराबर 5, तो x बराबर 0 बीच में हो गया और y बराबर 5, तो y में क्या है 5 है, सबसे पहले हम लिख देते हैं ये हमारा x है और ये x डैश है, ये y है और ये
वाई डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर जीरो, y बराबर फाइव, x बराबर जीरो और y बराबर फाइव, y क्या पॉजिटिव है, प्लस साइन है, यानी y ये है पॉजिटिव साइन, ये प्लस फाइव, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। और फिर x बराबर फाइव है, y बराबर जीरो, x बराबर पॉजिटिव है प्लस है, x बराबर फाइव यहाँ पे, ये दो पॉइंट मिल गया। अब दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिलाना है इसको हमें, ठीक है। इस तरह से पॉइंट को अच्छे से मिला लेंगे ताकि थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो ग्राफ हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो ये मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ पेपर पर पहले से लाइन उसमें खींचा हुआ था हल्का हल्का, उसी के ऊपर तो आपको लाइन खींचना है। तो ये आपका बन गया पहला प्रश्न था जिसको हमने अभी सॉल्व किया, ठीक है। और ये समीकरण का नाम क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर फाइव, ये लाइन का नाम है एक्स प्लस वाई बराबर फाइव, ठीक है। अब जो पॉइंट हमारा मिला था यहाँ पे क्या है, ये जीरो और फाइव है, और यहाँ पे क्या मिला था, फाइव और जीरो, ठीक है। पहले हम एक्स का मान लिखते हैं, ठीक है, पहले एक्स फिर वाई, एक्स में क्या जीरो है फाइव है, इसलिए जीरो फाइव लिखे। इसमें क्या एक्स मान है, फाइव और जीरो है, इसलिए यहाँ पर फाइव और जीरो लिखे, ये सॉल्व हो गया। अब दूसरा समीकरण का बनाएंगे तो क्या होगा, यही सेम चीज है, तो इसी के जस्ट इसी के ऊपर बन जाएगा, ठीक है। तो अब एक ही लाइन खींचना पड़ेगा दोबारा, फिर क्यों लाइन खींच, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका आगे पढ़ाई हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थैंक यू।